धुमाकोट बाजार में है और शानदार दृश्य है यहाँ पर। धुमाकोट बाजार का इस समय जो है धूप बिल्कुल ढलने की कगार पर है और हमारे साथ शोभन सिंह रावत जी हैं जो भागीरथी फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट के मालिक हैं, आर टीवी के ओनर जो है राजेश शर्मा जी, आचार्य दीपक घिंडियाल जी और हमारे लोक गायक सौरभ मेथाणी जी, आयुषी जुयाल जो काफ़ी चर्चित एंकर है। और सौरभ मेथाणी जी का एक नया गीत आया है वखी मेरू गाँव, और हमारे चाची महफल सिंह रावत जी भी हैं, उनसे निवेदन करेंगे खड़े हो जाइए आप भी जो है साथ में। और वखी मेरू गाँव एक ऐसा गाना है जिसमें वाकई में गाँव की जो फील है, जो गाँव को हम याद करना चाहते हैं, जिस गाँव के लिए हम सोचते हैं कुछ करें, तो वो गाना देख के जो एक फील आता है कि वाकई में हमें कुछ करना चाहिए। और ऐसे गीत मुझे लगता है पहाड़ों में बनने चाहिए, क्योंकि हम लोग नाच गाने तक तो सीमित रह ही गए, लेकिन ऐसे गीत नहीं बन पा रहे, बहुत लिमिटेड बना रहे। नेगी जी का ही दौर था, लेकिन मेथाणी जी भी लाए हैं, पेशकश करिए। तो मैं चाहूँगा दो लाइन आप उस गीत की यहाँ पर हम सभी को जरूर सुनाएं। मेथाणी जी धन्यवाद, कुलदीप रावत जी। और पहाड़ों की बात हो रही है, आज हम पहाड़ की गोद में ही धुमाकोट में हैं, और काफ़ी कार्यक्रम में भी मात्र शक्ति हमारा वैबंधों वखी मेरू गाँव पे अपना प्यार दिया, अपने डांस के माध्यम से, अपनी तालियों के माध्यम से। और अभी मात्र दो दिवसीय ऐसे आए हुए हैं यूट्यूब पे, और काफ़ी लोग भी प्रेम दे रहे हैं। पर जिस प्रकार से हमारे डांस वाले गीतों को प्रेम मिलता है, उसके अंतर में कहीं ना कहीं व्यूज़ का अभाव है। और एक सिंगर्स के लिए, एक गाने की पीक पॉइंट के लिए या गाने के हिट के लिए व्यूज़ बहुत मैटर करते हैं। तो आप जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं अभी पहाड़ों के राई चैनल पे, आप ज़रूर इस गीत को एक बार सर्च जरूर करिएगा, आपको अपनी पहाड़ की याद ज़रूर आएगी। आप चाहे प्रदेश के किसी भी कोने में बैठे हैं, देश के किसी भी कोने में बैठे हैं, आपको अपना गांव ज़रूर याद आएगा, क्योंकि उस गांव की जो लाइन है वो ये है कि जख औंदी हवा सरा पांच लाख डुगा सुखा भरा ठंडो मीठो पानी धारा वखी मेरू गाँव, हवा सरा पांच लाख डुगा सुखा भरा ठंडो मीठो पानी धारा वखी मेरू गाँव, जख देवतों को द्वारा ऊंचाई वाला ओ तुम देख धीर जारा मेरो पहाड़ा। तो मेरा पहाड़ सबसे प्यारा है, और जितने भी पहाड़ी देख रहे हैं और जो नॉन पहाड़ी भी देख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि एक बार इस पहाड़ को आप देखें, क्योंकि आने वाले 5 साल बाद सबने पहाड़ आने हैं। जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और प्रदेश देशों के जो हार है, तो इस पहाड़ को ही जीवन रखने के लिए, आप सभी को जीवन देने के लिए ये पहाड़ी बचाएंगे। धन्यवाद। जय उत्तराखंड।